वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे। यदि आप इस तरह का स्टेटस वीडियो अगर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह का लेटर का डिज़ाइन कैसे किया जाता है तो आपको इसमें बताया जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लीजिएगा। काइन मास्टर को हम कितने वीडियो बना चुके हैं तो आप उस वीडियो को शुरू से शुरू देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करके क्रिएट पे आके सेलेक्ट करने के बाद साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले भी वीडियो में मैं बताए थे कि बैकग्राउंड आप ब्लैक भी लीजिएगा। आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड लेने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम ब्लैक वाले को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कर्सर को आप खींच के लेके आगे जाइएगा, और खींच के लेके जाने के बाद अब जितना बड़ा राइटिंग का डिज़ाइन आप करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट में चले जाइएगा और टेक्स्ट के द्वारा यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आई लव माई इंडिया लिख देते हैं। आपको जो डी आपको अच्छा लगता है राइटिंग लिखने में आप लिख के बना सकते हैं। आप यहाँ पे सॉन्ग के भी द्वारा बना सकते हैं, जो भी सॉन्ग लिखना चाहते हैं सॉन्ग पे भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ओनली हम ओनली लेटर बताएंगे, हम अगले वीडियो में सॉन्ग पे भी वीडियो आपको बनाएंगे कि किस तरह के सॉन्ग पे आप सेट कर सकते हैं इस तरह का इन्वेशनल राइटिंग इन्वेशनल। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले राइटिंग को एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे राइटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का राइटिंग देता है, तो आप जो भी आपको पसंद हो राइटिंग तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करना है कि आपको कि यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे जो येलो का है आपको ऑप्शन और ब्लैक का ऑप्शन दो लेयर पे यहाँ पे बना हुआ है। तो येलो सिलेक्ट करके और यहाँ पे सबसे नीचे में देख पा रहे होंगे ऑप्शन को ग्लो का ऑप्शन है, ग्लो पे क्लिक करके आप यहाँ पे अनलेवल कर दीजिएगा। और अनलेवल जैसा ही आप करते हैं तो यहाँ पे कलर आ जाएगा, और कलर को येलो जो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर दीजिएगा। जो लेटर का बैकग्राउंड देना चाहते हैं, जो इफेक्ट देना चाहते हैं ना 3D टेक्स्ट में, तो यहाँ पे रेड हम ले लिए। रेड में यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन जो यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 लिखा हुआ है, आप इसको पकड़ के खिसका के आगे लेके चले जाइए। अब इससे जितना भी करिएगा तो इसका 3D बनाता है, इससे डीप कलर करता है। तो आप ऊपर नीचे दोनों कलर को मिक्स कर लीजिएगा। जो जितना पे आप राइटिंग को डीप करना चाहते हैं रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग आप टेक्स्ट का करना चाह रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो हम इस नॉर्मल तरह से हम यहाँ पे सजा देते हैं और एडजस्ट कर देंगे। जितना बड़ा बैकग्राउंड है, जितना बड़ा आप लेटर को रखना चाहते हैं उतना टाइम तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है क्या कि दोबारा आप यहाँ पे लेयर में चले जाइएगा। लेयर के द्वारा ही बताया जाएगा टोटल वीडियो को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे दोबारा लेयर को सिलेक्ट करेंगे, FX जो ऑप्शन हम ऑलरेडी पहले भी बताए थे, पिछले भी वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे FX को सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए हम पहले भी वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में भी बताएंगे इस तरह के इफेक्ट को। तो यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हर एक तरह का यहाँ पे इफेक्ट देता है। तो आपको पहले भी वीडियो में समझाए थे कि माउस पॉइंटर का जो तीर का निशान जाता है उस पर आप ध्यान देते रहिएगा, बारीकी से समझिएगा उस ऑप्शंस को कि किस पे क्लिक करके कौन सा ऑप्शन को हम चुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को समझाया गया है, एक एक ऑप्शन को बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सामने में आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। मेरा इंस्टॉल है तो इसलिए इंस्टॉल दिखा रहा है। तो आपको डाउनलोड पर जैसा ही डाउनलोड पर क्लिक करिएगा तो कुछ ही सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। और जो डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद बैक स्पेस करके पीछे चले आइएगा। पीछे आने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक जैसा ही करिएगा तो यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका लेटर्स के अंदर चला आएगा, राइटिंग आपका तिरछा टेढ़ा जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट बटन पकड़ के आप वो कुछ दूर तक खींचिएगा, जिससे क्या राइटिंग जब तक पूरा टेढ़ा ना हो जाए। तो आप जितना राउंड करके घुमाना चाहते इसको पकड़ के खींच के दूर तक लेके चल जाए, जितना राइटिंग घूमने दीजिए। जितना घूमेगा उतना राइटिंग आपका घूम के दिखाएगा। तो इसको खींच लेते हैं, और खींचने के बाद इसको और आसमानी कलर को खींच के जितना दूर तक है वहाँ पर ले जाकर ट्रैक करके बराबर में रख देते हैं। टोटल को बैकग्राउंड का टेक्स्ट का जो हम दिए डिजाइन उसको दोनों एक कर दिए। उसका दोबारा इस पर आके क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद चाबी वाला ऑप्शन पे आके ऑप्शन पे क्या करिएगा क्लिक कर दीजिए। जैसा ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बूंदा टाइप के वाइट कलर का होगा, और सबसे लास्ट है फर्स्ट एंड लास्ट में जाके फिर प्लस पे आके क्लिक कर दीजिएगा। प्लस पे जैसे ही क्लिक करिए तो लास्ट एंड फर्स्ट दोनों में लग जाएगा उसमें से,
ऑप्शंस को, और उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे ले बैकग्राउंड को पकड़ेंगे, ब्लैक वाला जो एरिया दिख रहा है उसको पकड़ के आप जितना दूर तक ऐसे करके दिखाना चाहते हैं इसको लेके लास्ट तक कर दीजिए। जैसा ही लास्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शंस है यानी कि गुड का निशान लगा हुआ है, उस पर आके क्लिक कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, पीछे प्ले करके भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी तरीक़ा से क्या कर लेटर को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप बताते हैं, आपको शॉर्ट में बताएंगे और फटाफट यूज करना है उसमें, आप बारीकी से आप देखते जाइए। एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं उसको।